तौर पर यह दौरा बहुत कुछ कहता है, ऐसे में बड़ी सौगात मिलने वाली है कोची वासियों को। शैलेंद्र, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ा और भव्य रोड शो और किस तरह से लोग जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केरल के कोची से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे और उसके बाद अब सीधे यहाँ पर केरल पहुंचे हैं, केरल के कोची में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बड़ी और अहम बातें यहाँ से निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम यहाँ पर जो विकसित बुनियादी ढांचा, उसको और ज़्यादा विकसित करने की जो कवायद है, उस कड़ी में भी आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की एक छवि पाने के लिए पहले से व्याकुल यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों किनारे किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग किस तरह से उनका जोरदार स्वागत करते हुए फूल बरसाकर यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वानगी यह तस्वीर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश की जो बागडोर है उसको कैसे वैश्विक स्तर पर लगातार ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, उसी कड़ी में लोग जो हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं केरल के कोची से आ रही है, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। तो हम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों ओर सड़क के दोनों किनारे जन सैलाब उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि पाने के लिए लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? निश्चित तौर पर जी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त गौरव जी, बताएं। शैलेंद्र, ऐसे में साफ तौर पर क्योंकि केरल का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा होने वाला है केरल में? देखिए, दो दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 15 दिन के अंदर एक बार फिर से आए, और आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में जब का किया जा रहा है, सड़क के दोनों तरफ लोग नारे लगा जनता में, उनकी कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। 4,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। शिपयार्ड यहाँ पर जो बड़ी बड़ी शिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं कि आवागमन होता है, उनकी मरम्मत हो सके उसके लिए एक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। LNG इम्पोर्ट की सुविधा एक यहाँ पर पहुंची हो सके, यानी इम्पोर्ट होता है उसको यहाँ के जरिए किया जा सके, उसकी एक सुविधा यहाँ पर होने जा रही है। और निश्चित तौर पर तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, जब पहली बार शक्ति केंद्र के जो बीजेपी 4 बूथ को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाती है, उनके प्रमुखों से प्रधानमंत्री बाहर में ये कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित तौर पर उन्हें सीधा एक मंत्र दिया जाएगा। हम देख रहे हैं कार्यकर्ता है वो विशेष तौर पर उन्हें लगता है कि केरल के इस दौरे से, और लगातार जो प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो आंध्र प्रदेश से यहाँ केरल पहुंचे हैं, और केरल 15 आप देखे 2 हफ्ते में दूसरी बार केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। निश्चित तौर पर ये एक उत्साह बढ़ाता है पार्टी कार्यकर्ताओं में, और जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जो कुंची की जनता है वो सड़कों पर है, सड़क के दोनों तरफ आप देखें तो हर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं, और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि केरल में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। निश्चित तौर पर तमाम परियोजनाओं को केंद्र सरकार आगे बढ़ाई में भी लोग बहुत प्रसिद्ध है, चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर आर्थिक ढांचे बुनियादी ढांचे जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, तो उस पर भी लोग बात कर रहे हैं। और यही वजह हम के देख रहे हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर पहुंचे हैं, तब सड़क के दोनों तरफ इस तरह से बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं।
ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, तो विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उन्हीं का रुख करते हैं। तो ऐसे में ये दौरा कई मायनों में खास है, क्या बड़ी बातें आपको नजर आ रही हैं इस पूरे दौरे की, और सबसे जरूरी बात कि जिस तरह से हम दक्षिण भारत में देख रहे हैं कि एक जो तमाम योजनाएं सरकार की हैं वो दक्षिण भारत में बहुत तेज गति के साथ पूरे राष्ट्र में पहुंच रही है, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी किस तरह से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। गौरव, आप इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर में पीएम को मोदी का ये दूसरा दौरा है केरल का जी, और दूसरे दौरे में आपने देखा कि इससे पहले पीएम मोदी का एक भव्य जो त्रिशूर में उनकी रैली हुई थी और उसके बाद रोड शो हुआ था, और आज कोची में ये इस आयोजन को देख के आप कह सकते हैं कि ये सारे, अब जब ये 5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो दक्षिण मुख पार्टी है, ये उत्तर भारत की पार्टी है। आज कम से कम इस भीड़ ने उन लोगों को ये जवाब दिया है कि बीजेपी जो है पूरे ऑल इंडिया की पार्टी है और सबकी पार्टी है, और इस पार्टी के देखने में जिन लोगों का एक नैरेटिव चलता था, जो आप तेलंगाना के कांग्रेस के जीत के बाद ये कहा गया कि बीजेपी के दक्षिण में प्रेजेंस नहीं है, तो इस नैरेटिव को कम से कम आज का जो ये पीएम का रोड शो है वो तो कम से कम इसको जग जाहिर कर रहा है कि आप जो फेक नैरेटिव चलाते थे उसका आज कोची के लोगों ने उसका जवाब दिया है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आप आज अगर देखें कि पिछले 15 दिन से या आप उससे पहले से भी बीजेपी का जो अभियान चल रहा था वहाँ केरल में, और आप देखिए कि वहाँ जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदी कम्युनिटी के लोग हैं, या और जो भी और कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में जो पीएम का ये फ्लैगशिप स्कीम की बातें बताई जा रही थी, विकास की जो ये यात्रा है, उस यात्रा में लोग जो भीड़ एकदम ताव बनाना सब लोग आ रहे थे और उसमें जुट रहे थे, तो ये कम से कम एक विश्वास है पीएम मोदी के की गारंटी पे जो लोगों का विश्वास है जी। और उस विश्वास को जब आप इस रोड शो में देखते हैं दूर सुदूर कोची में, जहाँ की बीजेपी का अभी भी कोई ग्राउंड नेटवर्क नहीं था, कोई प्रेजेंस नहीं था, और वहाँ अगर ये 17 लोग निकले हैं तो शायद वो लोग जो एक नैरेटिव बना रहे थे कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, उसका आज एक जवाब उनको मिल रहा होगा जी। विनोद जी, विकसित भारत की इस कड़ी में जब हम देख रहे हैं, क्योंकि तमाम यात्रा भी देखी जा रही है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में किस तरह से अब जो तस्वीर है उसका जो स्वरूप है वो किस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सब यही चीज आज की तारीख में समझने की जरूरत है गौरव जी, कि जब आप बड़े बड़े अखबार में इश्तेहार देते हैं और अपने गवर्नमेंट के स्कीम को बताते हैं और उस चीज को दावा करते हैं कि हमने इतना काम किया है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाड़ी निकल रही है, जो देश के कोने कोने में पहुंच रही है, वो कम से कम एक रियलिटी चेक है। और रियलिटी चेक इसलिए है कि लोग खुद आके आके कह रहे हैं कि उनको इन योजनाओं का ये लाभ मिला है, तो ग्राउंड रियलिटी पर इतनी बड़ी यात्रा का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसने लोगों के जनमन को ये इस तरह से छुआ है कि जो मोदी की गारंटी की बात अगर पीएम मोदी कहते हैं तो वो ट्रांसलेट कैसे जमीन पे होती है, वो इस चीज को दिखाता और साबित करता है, चाहे वो कोची हो, चाहे वो लक्षद्वीप का शहर कोई हो, या फिर आप देश के किसी भी भाग में चले जाइए, योजनाएं जमीन पे पहुंचती है, इसकी गारंटी जब दी जाती है तो इस रोड शो में इतने भीड़ जुटते हैं जो स्वतः स्फूर्त की भीड़ होती है गौरव। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरें साफ तौर पर गवाह हैं इस बात की कि जो तमाम लोग यहाँ पर दोनों तरफ हैं, सड़क के दोनों किनारे हैं, और वो लगातार फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि बदलाव की जो बयार हमने देखी है 2014 के बाद से लेकर अब तक, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रही है, और उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। देखो गौरव, एक चीज समझने की जरूरत है कि अब तक की जो नैरेटिव थी चल रही थी उस नैरेटिव में लगातार LDF UDF और इस LDF और UDF का जो अदला बदली था उसमें किसी तीसरी पार्टी की खासकर के बीजेपी की वहाँ एंट्री नहीं हो पा रही थी। एक बार कांग्रेस के कम से कम 4-5 जो मुस्लिम लीग और बाकी गुटों के साथ में है, तो एक तरह जो CPM की सरकार है उनकी 5-10 CPM वामपंथी गुट के साथ में अपनी एक वहां पे एक फिलोसफी चलती थी, और उनका जो नैरेटिव रहा है वो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में, संघ के अगेंस्ट में और पूरा भारतीयता के अगेंस्ट में रहा है। इस फिलोसफी को किस तरह से वहाँ मुकाबला किया है, किस तरह से लोगों ने वहाँ कुर्बानी दी है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कम से कम 200 से ज्यादा संघ के कार्यकर्ता मारे गए हैं इसी केरल में, और ये अपने हिंदुत्व को लेके या राष्ट्रीयता को लेके। बिल्कुल विनोद जी, ये बात तो साफ तौर पर जग जाहिर है और ये नजर भी आ रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ, अनुज यादव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, साफ तौर पर तस्वीर बहुत कुछ कह रही है,
है और जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए फूल बरसाकर यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये दौरा किन किन मायनों में सबसे ज्यादा खास नजर आ रहा है और दक्षिण भारत की ओर जो बदलाव की तस्वीर है वो क्या कहती है? है और उसके पीछे एक नहीं अनेकों कारण हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें आज केरल के कोची में जिस तरीके से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आज आकांक्षाओं की, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जब वो पूरी होती हैं तो इसी तरीके की तस्वीरें अपने प्रिय नेता की दिखाई देती हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास की योजनाओं को लेकर जो फोकस रहा है पूरे देश भर में, उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, उसके पीछे पूरा देश है। सबसे बड़ी बात जो हमने पिछली कई सरकारों के अंदर देखी है गौरव, हमने देखा है कि जिन राज्यों के अंदर जो सत्तासीन सरकारें होती हैं वो सिर्फ जो विकास की परियोजनाएं हैं वो सिर्फ उन्हीं राज्यों के अंदर उनको लेकर आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस राजनीति को बदल दिया, उस सोच को बदल दिया, उस नीति और नियत को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था उनके लिए सबसे पहले अगर कुछ है तो वो देश है, और देश के अंदर जब कोई नेता अपनी नीति और नियत से, सही नीति और नियत से काम करता है तो इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं जो आज आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हम जानते हैं कि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना, हजारों करोड़ रुपए की सौगात देना, ये एक सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मोदी सरकार का रहा है। मैं अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के अंदर जब भी आते हैं तो हजारों करोड़ की परियोजनाओं को लेके आते हैं। कल भी ऐसा ही होने वाला है, केरल के अंदर 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पिछले कुछ महीनों पहले ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोची यात्रा में मैं उनके साथ जब यहां पर आया था तो INS विक्रांत का इसी कोची से जो है उन्होंने उद्घाटन किया था, देश की जनता को INS विक्रांत सौंपा था। तो ये तस्वीरें आज इस बात को दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सबसे पहले है, सरकारें हो या ना हो भारतीय जनता पार्टी की उस राज्य के अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री के लिए देश की जनता सबसे पहले है। और जब प्रधानमंत्री किसी इलाके के अंदर जाते हैं तो इसी तरीके से फूल मालाओं से प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने प्रिय नेता को देखना चाहता है। और हमने इस बात को देखा है कि जब प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने में पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो भीड़ और जनता उमड़ पड़ती है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी फैसला किया कि वो जिस इलाके के अंदर जाएंगे लोगों को परेशान ना होना पड़े। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जाते हैं, और इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है कि लोग जो है भीड़ में लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का जो भी सफर तय करते हैं शहर के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश की है कि वो अपने देश की जनता से मिल सके। और हमने तो देखा है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर आज केरल की धरती पर कोची पर 2 दिन का ये दिवसीय दौरा होगा। प्रधानमंत्री आज कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का आयोजन कल में जो है उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, और साथ ही साथ कल जो है केरल के त्रिशूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2 अलग-अलग मंदिरों में, जो एक राम का मंदिर है और एक श्री कृष्ण मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना भी यहाँ पर करेंगे। और उम्मीद है कि त्रिशूर की जनता भी जब सड़कों पर आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेगी। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, एक सूत्र में समूचे राष्ट्र को बांधना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपनी जो तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की चल रही हैं उनसे ये जग जाहिर कर दिया है। ऐसे में साफ तौर पर अगर हम कहें कि चाहे हम बात समूचे जब भारत की करते हैं तो वहाँ पर जो विकास की जो बयार है वो लगातार देखने को मिल रही है, दक्षिण भारत इस कड़ी में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में ये दौरा और किन मायनों में खास हो जाता है, और इसके अलावा जो बदलाव की तस्वीर है, जो बदलाव की बयार है वो क्या कुछ कह रही है?
ये देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं गौरव। पहली बात तो है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ देश के हर हिस्से में मिल रहा है, हर राज्य में मिल रहा है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हम देख रहे हैं कि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जगह मिल रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो किसी एक राज्य किसी भी आप कहीं पे ये नहीं कह सकते आप कि उत्तर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा लोकप्रिय हैं या दक्षिण भारत में ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप देखें पूरे भारत में समान तौर पर एक तरह से देखें तो उनकी लोकप्रियता है, और हमने देखा है कि जिन राज्यों में भाजपा शासित राज्य हैं जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां भी, और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जब सड़कों पर लोग काफी समय से इंतजार करते नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। ये दर्शाता है कि किस तरह से मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है, जो जरूरतमंद है उन तक पहुंच रहा है। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल का यह दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पहली बार जो शक्ति केंद्र प्रमुखों की जो बैठक है उसको केरल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा संदेश मिलने की उम्मीद है कि उनका जो संघर्ष है केरल में वो उसको आगे बढ़ाएं, और हम जानते हैं कि बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो न केवल केरल में खाता खोले बल्कि आधा दर्जन सीटों से ऊपर यहाँ पर चुनावी जीत हासिल हो। उस उद्देश्य के साथ यहाँ स्थानीय जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर पार्टी के इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को एक संदेश मिलने वाला है कि वो पूरी ताकत से जुटे रहे जनता के कल्याण में, कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो लाभ पहुंच रहा है उसको उसके बारे में जनता को बताने में। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन इलाकों से ये रोड शो गुजरा है अगर हम उसे बताएं, महाराजा कॉलेज से ये रोड शो शुरू हुआ, उसके बाद जो सुभाष पार्क है वहां से होता हुआ आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फिर जो गेस्ट हाउस की का रास्ता है, ये एक पूरा बिल्कुल कह सकते हैं कि कोच्चि शहर के बहुत मुख्य इलाके से ये गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो तस्वीरें हमने देखी सड़कों के दोनों तरफ और उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में थी, कई छात्राओं से हमने बात की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत नजदीक से देखना चाहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार इतनी नजदीक से देखने जा रहे थे। तो वही उत्साह जो गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं रोड शो में दिखाई देता है वही उत्साह यहाँ केरल में भी दिखाई दे रहा है। तो दिखाता है कि उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कितनी है, वो लोगों के प्रति जो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक संवाद शैली है और लोगों से जुड़ने का जो उनका तरीका है वो अभूतपूर्व है, वो इन तस्वीरों में दिखाई देता है। जब रोड शो में इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होता है, हाथ लाकर अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हैं, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय नेता हैं जो ये तस्वीरें इन तस्वीरों के माध्यम से जाना जा सकता है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। दक्षिण पर भारतीय जनता पार्टी बहुत फोकस कर रहे हैं, जानते हैं बीजेपी का कहना है कि जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के नेता करते हैं, आज बीजेपी अगर देखें तो एक पार्टी के लिहाज से सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद दक्षिण के राज्यों से, कर्नाटक हो या फिर हम जो दक्षिण के तमाम राज्य हैं उनकी बात करें, कुल मिलाकर बीजेपी एक मजबूत ताकत के तौर पर जानी जाती है। और 2024 में पार्टी की कोशिश यह है कि दक्षिण भारत से किसी एक दल के द्वारा अगर सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में भेजा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो और उसकी संख्या भी काफी बढ़े। तो निश्चित तौर पर उस योजना पर हम देख रहे हैं बीजेपी संगठन काम कर रहा है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, पार्टी का कोई कार्यक्रम लगता है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह अब देखने लायक होता है। निश्चित तौर पर आज हमने इस रोड शो में देखा कि न केवल पार्टी कार्यकर्ता बल्कि आम लोग किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। जी जी ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्योंकि यह दौरा कई मायनों में बेहद खास है, ऐसे में शक्ति केंद्रों के लगभग 6000 प्रभारियों की पार्टी बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भाग लेंगे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक प्रबल जो सशक्त बनाने की जो कवायद है वो यहां से और ज्यादा सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी। गौरव, जब कहते थे पीएम जो अभी लाल किले से भाषण करते हुए पीछे अभी 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि यही समय है, सही समय है, तो जब वो यही समय है सही समय कहते हैं तो इसका मतलब भी होता है कि ये भारत का जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसका ये सही समय है। और विकसित भारत का जो संकल्प है वो पीएम जब रीच आउट करते हैं, लोगों के साथ में होते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप अंदाजा करिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 11 दिनों के जो राम मंदिर
प्राण प्रतिष्ठा के शिलान्यास के आज उन्हें जाना है 22 तारीख को, उसके लिए वो खुद व्रत में है और वो संकल्प में है, वो अनुष्ठान में है और उसके बाद उनके एनर्जी का एनर्जी लेवल आप देखिए। ये 3 दिन से प्राइम मिनिस्टर जो मंडे से उन्होंने जो शुरू किया है 11 दिन का जो व्रत उन्होंने शुरू किया है, जो अनुष्ठान में उनको शामिल होना है 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, और उसके साथ में जो न थकेंगे न कभी रुकेंगे, ये अभियान जो है विकसित भारत का संकल्प, वो एनर्जी लेवल बताता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इस रोड शो में जाते हैं और लोगों से उसी उत्साह और उमंग से मिलते हैं तो उसका रेसिप्रोकेट ये आप फूल के बरसाते हुए लोगों को देखते हैं कि वो देखता है कि वो एक जनसेवक जो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रधान सेवक के रूप में अपने को स्थापित किया है, और वो प्रधान सेवक जब लोगों के बीच में होते हैं तो लोग किस तरह से उनकी एनर्जी को और उसमें अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं, ये जो कमाल आप देख रहे हैं ये भारत में कई दशकों के बाद संभव हुआ है। ये भारत के जो लोगों ने देखा है, मिली जुली सरकार का जो 30 साल भारत के लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसमें प्रधानमंत्री का आना जाना, उसमें भारत के प्रधानमंत्री का वो जो लोगों के साथ कनेक्शन था, वो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद एक शख्सियत के रूप में जो पीएम मोदी को पूरे देश में, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो छोटे कस्बा हो, अगर पीएम मोदी के साथ सीधा कनेक्शन है, सीधा कनेक्ट है, तो वो इसके बीच में सबसे बड़ी कामयाबी इस रोड शो का है। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में गए होंगे, इलेक्शन कैंपेनिंग में हो या फिर ऐसे ही अपने किसी कार्यक्रम में उद्घाटन या उसके शिलान्यास के कार्यक्रम में गए हो, तो पीएम का अपने रोड शो का एक कार्यक्रम जरूर देखा होगा जो सीधे पीएम अपने लोगों के साथ में जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, और वो जो कनेक्शन है यही प्राइम मिनिस्टर मोदी को जननायक बनाता है। गौरव बिल्कुल, विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। अब अनुज यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज का भी रुख कर लेते हैं। अनुज, साफ तौर पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर फूल की यहाँ पर बरसात की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जो तमाम योजनाएं सरकार की चल रही है उससे काफ़ी खुश हैं, और कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी जो हम देख रहे हैं वहाँ पर जो जन भागीदारी नज़र आ रही है उसमें भी वो काफ़ी प्रबल वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जो जन कल्याण की जो बात की जाती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोगों तक, लोगों के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सुचारू रूप से पहुंच रही हैं और उसका फायदा जन जन तक पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको जैसा कि हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का रोड शो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और ऐसे में जो लोग हैं वो किस तरह से उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। तो ये सीधी तस्वीरें केरल के कोची से, लगातार आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये स्वागत यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी, गौरव जी बोलिए। प्रधानमंत्री हम जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं और रोड शो में वो जनता का स्वीकार करते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से हम बार बार ये देख मोदी का एक लोगों से संवाद करने का, ज्यादा से ज्यादा वो लोगों से मिल सके, इसके लिए तमाम अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वो ये बात करते रहते हैं। जनता का जो एक रिस्पांस, एक जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाई देता है, वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के इतने लोकप्रिय नेता कैसे लोग इतम करते हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है, बल्कि एक तरह से देखें सुशासन की जो तमाम जो शर्तें होती हैं, जो प्रधानमंत्री ने अगुवाई में केंद्र सरकार से आप उस उदाहरण को सामने ठीक है, लाभ ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर उसकी वानगी ये तस्वीरें हैं, और हम जैसा कि तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह से भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में थे और उसके बाद अब केरल में है, और केरल के कोची से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो शक्ति केंद्रों के लगभग 6,000 जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और ऐसे में
दौरा काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे सहयोगी अनुज भी बता रहे थे, लगभग 4,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो यहाँ पर लोगों को मिलने वाली है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका लाभ पूरे समूचे देश में देखने को मिल रहा है, समूचे राष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उससे लोगों को जो सुविधाएं हो रही हैं, जो लोग जो पहले की सरकारों में जो परेशान थे, जिस वजह से उनको जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती थी, लेकिन हमने देखा बीते 9 सालों में लगातार जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई है। और कैसे जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो उस कड़ी में भी लगातार हम देख रहे हैं कि समूचे राष्ट्र को लगातार वो आगे लेते हुए जा रहे हैं और जो तमाम योजनाएं उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, जिसकी वानगी ये तस्वीरें हैं।